ओके, हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला चैप्टर विच इज़ हैलोजन डेरिवेटिव। ओके, तो आते हैं पहले एमसीक्यूज़ पे। पहली एमसीक्यू है द टाइप ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव इन विच द हैलोजन एटम इज़ बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, तो ये सिंपल है, हम लोग को क्या करना है, एक हैलोजन है या हाँ ठीक है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है, मतलब क्या है कि जो पूरा कंपाउंड है उसके अंदर एक ही हैलोजन है और जो हैलोजन है वो डायरेक्टली sp3 पे कनेक्टेड है, ठीक है, मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड है। लेकिन इन टर्न वो जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है वो एक डबल मतलब CC डबल बॉन्ड सिस्टम को अटैच्ड है, ठीक है। तो ऐसे वाले कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। इसको पहचानना आसान था, ठीक है, मैं आपको बाकी के भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। बेंजाइलिक का मतलब क्या होता है कि आपका जो हैलोजन है वो क्या होगा, एक sp3 हाइब्रिड कार्बन को कनेक्टेड होगा, लेकिन इन टर्न वो जो sp3 हाइब्रिड कार्बन है वो रिंग को अटैच्ड होगा, ठीक है। तो अगर वो रिंग अटैचमेंट में आ रहा है तो वो बेंजाइलिक है। एलाइलिक में कितने होंगे, जितने भी कार्बन होंगे वो सारे क्या होंगे, sp3 हाइब्रिड होंगे, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आएगी। और विनाइलिक को पहचानना सबसे आसान रहता है, उसमें क्या होगा कि जो आपका हैलोजन है वो जिस कार्बन पे कनेक्टेड है वो डायरेक्टली खुद ही क्या होगा, sp2 या डबल बॉन्डेड कार्बन होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि पहले sp3 है और फिर sp2 है या डबल बॉन्ड है, तो उसका मतलब क्या होगी, वो एलाइलिक हैलाइड होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद आयोडीन कैन बी कैरिड आउट यूजिंग, ठीक है। तो आयोडीन के साथ रिएक्शन करना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये पहचानना बहुत आसान था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि रिंग के ऊपर हम लोग को अटैक कराना है। अब रिंग के ऊपर जो अटैक होगा वो कैसा होगा, क्योंकि रिंग के ऊपर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए जो अटैकिंग स्पीशीज़ है वो कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज होनी चाहिए या इलेक्ट्रोफिलिक होनी चाहिए। अगर ये सारी स्पीशीज़ को आप देखोगे तो इसमें से सिर्फ जो क्या बोलेंगे HNO3 है वही क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो हम लोग को पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक कर सकता है, और इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, HNO3 है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर आइसोमेरिक डाई हेलो बेंजीन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ। डाई हेलो का मतलब क्या है कि उसमें दो हैलोजन है और वो क्या है, डाई हेलो बेंजीन, मतलब बेंजीन के ऊपर दो हैलोजन। अब बेंजीन पे दो हैलोजन कौन कौन सी पोजीशन पे आ सकते हैं, तो पहला वाला हैलोजन किसी भी पोजीशन पे आ सकता है क्योंकि सारी जगह खाली थी। अब पहले के बाद जब दूसरे को आना होता है तो क्योंकि जो हैलोजन एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस शो करता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि 2, 4 और 6 वाली पोजीशन नेगेटिव हो जाएगी, या हाँ ऑर्थो और पैरा वाली। तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं, सिर्फ ऑर्थो आइसोमर बन सकता है और पैरा आइसोमर बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है मेटा आइसोमर, वो तो पहले ही क्या बोलेंगे, निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि मेटा आइसोमर जल्दी फॉर्म नहीं होते, ठीक है, वो रीज़न आएगा वहाँ पर जो रेजोनेंस वाला, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट हायर किसका होगा, अगर आप ऑर्थो और पैरा देखोगे तो ऑर्थो में क्या हो जाएगा, 1, 2 पे रहेंगे, है ना, एकदम नेक्स्ट बाजू बाजू में, और पैरा में क्या हो जाता है, ऑपोजिट साइड पे। अगर बाजू बाजू में है मतलब क्या हो रहा है कि हैलोजन है ना, डाई हैलो, तो मतलब वो जो हैलोजन है उसके अराउंड में भी तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपस में रिपल्शन फील करने लगेंगे, इसलिए ऑर्थो वाला आइसोमर क्या हो जाता है, कम स्टेबल हो जाता है। तो ज़्यादा स्टेबल आइसोमर कौन सा है, पैरा आइसोमर। तो अगर पैरा आइसोमर ज़्यादा स्टेबल है, प्लस जो पैरा आइसोमर है वो ज़्यादा इजीली क्या बोलते हैं उसको, जो वैंडरवॉल फोर्सेस है उससे क्या हो जाता है, मतलब या बोलो कि इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्सेस है वो पैरा आइसोमर में ज़्यादा फॉर्म होगी क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा कि पैरा आइसोमर इज़ हायर। मेटा को पहले ही हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं कि मेटा वाला तो पहले ही फॉर्म होगा ही नहीं, ठीक है। और ऑर्थो वाले के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे इंटर आयनिक रिपल्जन हो रही है। ओके, नेक्स्ट 4th वाला, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड विद। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल जो प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है, ठीक है। अब वो कब रोटेट करेगा, जब मॉलिक्यूल की स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होगी। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब होता है स्पेस में अरेंजमेंट। अब स्पेस में अरेंजमेंट मतलब, नॉर्मली जब हम लोग क्या बोलेंगे, कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं तो बुक पे ड्रॉ करते हैं, पेपर पे ड्रॉ करते हैं, पेपर और बुक पे हो रही है, मतलब 2D में ड्रॉ हो रही है। अगर उसको स्पेस में चाहिए मतलब क्या करना पड़ेगा, 3D में रखना पड़ेगा। तो जो पूरी ऑप्टिकल एक्टिविटी है एक्चुअल में वो किससे रिलेटेड है, 3D स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो ये भी इजी था, प्लेन पोलराइज लाइट को वो क्या करता है, रोटेट करता है, लेकिन रीज़न जो आएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी के पीछे वो क्या है, 3D स्ट्रक्चर, ठीक है।
हो सकता था अगर यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो क्या है, अकायरल मॉलिक्यूल, अगर कायरल होता तो हम लोग 3D स्ट्रक्चर की बजाय क्या करते, कायरालिटी को टिक करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अकायरल है, अकायरल का मतलब उसके अंदर कायरल सेंटर नहीं है, तो कायरल सेंटर होती है तो ही 3D स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो ही मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। तो ओके, तो ये प्रोपेन नाइट्राइल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, तो इजी है कि हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। प्रोपेन नाइट्राइल के लिए अपने पास क्या है, 3 कार्बन चाहिए और नाइट्राइल ग्रुप है मतलब सी एन से अटैचमेंट होगी। तो हम लोग रिएक्शन में या चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर हम लोग पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो नाइट्राइल ग्रुप के साथ रिएक्शन होगा, मतलब जो सी है उसकी साइड से अटैचमेंट होगा, और अगर सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो एन की साइड से अटैचमेंट शो करेगा, तो वैसा वाला केस है। और जो क्या बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो रिएक्शंस भी लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे फास्टेस्ट रिएक्शन ऑफ SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 के लिए हम लोग को पता है कि जो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स होती है वो ज़्यादा इजीली रिएक्शन फेवर करती है, क्योंकि उसमें कार्बोकोटाइन मोर इजीली या हाँ ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होगा। नेक्स्ट वाला रिएक्शन, ठीक है, ये अपने पास है एक अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट किसी भी कंपाउंड के साथ जब रिएक्ट करता है तो उसमें क्या होता है कि जो अल्काइल वाला पार्ट है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो रिएजेंट का भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ऑपोजिट चार्जेस को हम लोग को क्या करना है, अटैच कराना है। तो अगर हम लोग ये वाला जो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाला कंपाउंड है इसको अगर ब्रेक करेंगे तो इथाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये जो पूरा MgBr है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे जो अमोनिया है अमोनिया को भी ब्रेक करेंगे तो H पॉजिटिव होगा और NH2 नेगेटिव, तो ऑपोजिट सेंटर्स को अटैच करना है। मतलब अगर इथाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसको सिर्फ H अटैच हो जाएगा और वो फॉर्म करेगा इथेन, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर्स पे। तो पहला है अपने पास IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब IUPAC नेम करनी है इसलिए हम लोग इसका नाम क्या लिखेंगे, अगर डायरेक्टली करना होता तो हम लोग बोल सकते थे कि ये जो BR है या ब्रोमीन है वो एक बेंजाइलिक ग्रुप पे कनेक्टेड है, तो हम लोग इसका नाम बेंजाइल ब्रोमाइड लिख सकते थे, लेकिन वो बेंजाइल ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, वो उसका IUPAC नेम नहीं, वो उसका कॉमन नेम होगा। अगर मोर एक्यूरेटली हम लोग को इसको लिखना है तो यहाँ पे सिर्फ ये जो एक मिडिल में कार्बन है, मतलब रिंग के बाद जो एक एक क्या बोलेंगे हम पा रहा है, वो जो एक कार्बन आ रहा है वो एक ही कार्बन है, तो इसलिए वो क्या है, मीथेन। अब वो मीथेन को कौन सी चीज़ कनेक्टेड है, एक ब्रोमो और एक फिनाइल, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो फिनाइल मीथेन। या अगर इसका क्या बोलेंगे क्या बोलते हैं कॉमन नेम अगर लिखना होता तो हम लोग इसको बेंजाइल ब्रोमाइड लिख सकते थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अगर ये यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे तो ये सिंपल सा रिएक्शन है, यहाँ पे हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, HBr ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो HBr की एडिशन है तो ये क्या फॉलो करेगी, मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो अगर मैं रिएक्टेंट को देखूँ तो यहाँ पे क्या है, 1-methylcyclohexene, इसमें जो डबल बॉन्ड है वो 1 और 2 कार्बन पे आ रही है, तो कार्बन नंबर 1 के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है और कार्बन नंबर 2 के पास एक हाइड्रोजन है, तो मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग जो निगेटिव पार्ट होगा रिएजेंट का वो उस कार्बन पे जाएगा जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो ब्रोमीन यहाँ पे निगेटिव है इसलिए वो कार्बन नंबर 1 पे जाएगा और हम लोग को मिलेगा 1-bromo-1-methylcyclohexene। ओके, थर्ड थर्ड वाला इजी है, हम लोग को क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये जो 4 कंपाउंड्स लिखे हुए हैं उसको अरेंज करना है। तो याद ये रखना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है कैसा रहेगा, कि जिसका मास ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो मास के अकॉर्डिंग अगर आप सबको प्लेस कर दोगे तो वही करेक्ट ऑर्डर होगा बॉइलिंग पॉइंट का। तो मास के अकॉर्डिंग अगर प्लेस करना है तो ब्रोमो वाले कंपाउंड्स का मास ज़्यादा हो जाएगा और क्लोरो वाले कंपाउंड्स का कम हो जाएगा। तो मास के अकॉर्डिंग ब्रोमो फॉर्म सबसे ज़्यादा होगी, फिर डाई ब्रोमो मीथेन, देन क्लोरो फॉर्म, और उसके बाद लास्टली में आएगा मीथेन। ओके, नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन में हम लोग को रिएक्शन कंप्लीट करना है। पहला रिएक्शन क्या है, अल्कोहल का रिएक्शन करें हम लोग, NaBrH2SO4। तो ये डायरेक्ट सिंपल रिएक्शन है, ब्रोमिनेशन, तो हम लोग इसका ब्रोमिनेशन करेंगे तो OH की बजाय क्या आ जाएगा, ब्रोमीन, तो ये मिल गई ब्रोमो मीथेन। फिर उसके बाद नेक्स्ट है NaI। अब अगर आपको याद होगा तो ये हम लोग ने क्या बोलेंगे हैलोजन एक्सचेंज वाले टाइप के रिएक्शन है। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में क्या था कि एक अल्काइल हैलाइड को हम लोग कन्वर्ट करेंगे दूसरी अल्काइल हैलाइड में, और उसमें से यहाँ पे क्या है मतलब जो बी वाला कंपाउंड है उसमें बी आर की जगह पे आई आ जाएगा, मतलब ये कौन सा रिएक्शन हुआ, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ओके,
तो सिंपल रिएक्शन था, पहले ओ एच को हटा के बी आर, फिर देन बी आर के बाद आई, ठीक है। और हम लोग को हाँ प्रोडक्ट का नाम भी लिखना था, तो प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, आयोडोइथेन। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज फास्टर देन पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ओके, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशंस आपको याद रखना है कि मेजरली अगर हम लोग रिंग के ऊपर कोई भी अटैक कराते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है। लेकिन हम लोग पढ़ सकते हैं कि ये जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन करेंगे। तो याद ये रखना है कि जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो रिंग पे आने की बजाय क्या करेगा, जिस पोजीशन पे आपका क्लोरीन ग्रुप है वो क्लोरीन को हटा के उसकी जगह पे कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन से हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना मेजर फंक्शनल ग्रुप रहता है उसको वहीं पर रखते हैं, अब 2,4,6 पे जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो आ जाते हैं। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन करने के टाइम पर आपको क्या करना है, जो आपका क्लोरीन है या जो भी हैलोजन है वो हैलोजन को हटा के दूसरा कोई निगेटिव ग्रुप वहाँ पर आ जाएगा। अब याद क्या रखना है यहाँ पे कि जो 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है वो फास्टर रिएक्ट कर रहा है देन पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो 2,4 में दो नाइट्रो ग्रुप है और जो पैरा नाइट्रो है उसमें एक ही नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल की वजह से क्या हो जाएगा कि जो रिंग के ऊपर निगेटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा। तो अगर रिंग के ऊपर निगेटिव चार्ज कम हो रहा है तो जो निगेटिवली चार्ज कोई कंपाउंड जो वहाँ पे आने वाला है वो इजीली आ सकता है, क्योंकि अगर रिंग जो है वो ज़्यादा निगेटिव होगी तो रिंग के इलेक्ट्रॉन्स और जो न्यूक्लियोफाइल है उसके इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्शन करेंगे। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स रहेंगे उतना ज़्यादा रिंग का जो निगेटिव चार्ज है वो कम होगा और उतना फास्टर रिएक्शन होगा। तो पूरा जो क्या बोलेंगे उसमें जो आंसर लिखा हुआ है वो वही है कि जो 2,4 डाई नाइट्रो है उसमें दो नाइट्रो ग्रुप है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, नेम द रिएजेंट यूज टू कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड टू एस्टर। तो अल्काइल हैलाइड को एस्टर में कन्वर्ट करने के लिए अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो पूरा चार्ट ही है वहाँ पे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड इंटू एस्टर्स। अगर आप इसको क्या बोलेंगे, जो सिल्वर कार्बोक्सिलेट है इसका रिएक्शन करोगे अल्काइल हैलाइड के साथ तो क्या हो जाएगा, जो हैलोजन एटम है ये सिल्वर के साथ रिलीज हो जाएगा और ये एजी की जगह पे दूसरा आर आ जाएगा, मतलब हम लोग को एस्टर मिल जाएगी। ओके, फिर करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इज ऑफ डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। तीन रिएक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम लोग को क्या करना है, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। तो डी हाइड्रो हैलोजिनेशन के बाद क्या बनती है, अल्कीन। तो फिर से अकॉर्डिंग टू सेडजेव्स रूल, जो ज़्यादा सिमेट्रिकल या ज़्यादा सब्सिट्यूटेड अल्कीन होगी वो ज़्यादा ईजिली फॉर्म होगी। और वो कब फॉर्म होगी, जब अपने पास क्या होगा, एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगी। तो रिएक्शन देखिए, जो क्या बोलेंगे या जो हम लोग को ऑप्शन दिए हुए हैं वहाँ पर समझ में आ रहा है कि जो थर्ड वाला है वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, फिर सेकेंड वाली सेकेंडरी है और फर्स्ट वाली प्राइमरी है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर लिखेंगे तो जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है वो ज़्यादा ईजिली डी हाइड्रो हैलोजिनेशन देगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग के जितने शॉर्ट आंसर्स थे, वेरी शॉर्ट वाले, वो टाइप वो ख़त्म हो गए। टाइप वन के स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला है, एक्सप्लेन अराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। ये भी सिंपल ही है, जो अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, कि जो भी आपकी चाहे अल्काइल हैलाइड हो चाहे अराइल हैलाइड हो, हम लोग को हैलोजन को हटा के उसकी जगह पे कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप डालना है। अब इजी किसके साथ हो जाएगा, अगर आप अल्काइल वाले लोग हैं तो अल्काइल में क्या होते हैं कि जितने कार्बन है वो एक लाइन में अरेंज है, या अगर वो ब्रांचिंग भी है तो भी वो पूरा कैसा रहेगा कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसलिए हैलोजन को हटा के दूसरे किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को डालना आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इसलिए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन के चांसेस कम है। लेकिन अगर अराइल हैलाइड, अराइल का मतलब क्या होता है कि वो बेंजीन रिंग के ऊपर है या एक साइक्लिक रिंग के ऊपर है, तो अगर रिंग देखोगे तो उसमें क्या होता है, रिंग में भी खुद के भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, अगर बेंजीन की बात किए तो उसमें तीन डबल बॉन्ड है, मतलब छः इलेक्ट्रॉन है। तो रिंग के इतने सारे इलेक्ट्रॉन और फिर जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल का मतलब उसके ऊपर खुद भी नेगेटिव चार्ज है, तो रिंग के नेगेटिव चार्ज और वो न्यूक्लियोफाइल के नेगेटिव चार्ज की रिपल्शन ज़्यादा होगी। इसलिए जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन का रेट है वो जो सब्सटीट्यूटेड रिंग रहेगी या अराइल हैलाइड रहेगी उसमें कम होगा,
और जो अल्काइल हैलाइड या ओपन चेन वाले कंपाउंड्स रहेंगे उसमें ज़्यादा होगा। तो पूरा जो आंसर लिखा हुआ है वो उसी बेसिस पे है कि सी एक्स बॉन्ड को ब्रेक करना है और उसके बाद क्या करना है, किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को वहाँ पे लेके आना है। तो कैसा रहेगा कि ज़्यादा निगेटिव चार्ज जिसके पास है वो क्या फील करेगा, ज़्यादा रिपल्शन फील करेगा या लेस रिएक्टिव हो जाएगा। तो ज़्यादा निगेटिव चार्ज रिंग के पास है तो इसलिए जो अराइल हैलाइड्स होगी वो लेस रिएक्टिव होगी। ओके नेक्स्ट है एक्सप्लेन हेलोरिन्स विद सोडियम मेटल। ओके ओके तो ये आपको क्या बोलेंगे, दो टाइप के रिएक्शंस यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे दो नेम रिएक्शन है, आपको याद रखना है कि एक वर्ड्स रिएक्शन है, एक वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन है और एक सिर्फ फिटिंग रिएक्शन है। सिर्फ वर्ड, अगर सिर्फ खाली वर्ड्स रिएक्शन आप पढ़ रहे हो तो वर्ड्स रिएक्शन में क्या होता है कि दो अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके हायर एल्केन बनाती है। वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे आपको क्या करना है, एक अराइल हैलाइड लगानी है। तो व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगी वन मॉलिक्यूल ऑफ अराइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो उसको हम लोग वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन बोलेंगे। और अगर सिर्फ फिटिंग रिएक्शन है तो उसमें क्या होगा, दो मॉलिक्यूल ऑफ अराइल हैलाइड रिएक्ट करेगी। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है क्या है, वन एक मॉलिक्यूल आपके पास ब्रोमोबेंजीन है जो क्या है, अराइल हैलाइड है। एक मॉलिक्यूल आपके पास मिथाइल ब्रोमाइड है जो अल्काइल हैलाइड है। तो एक अराइल और एक अल्काइल हैलाइड है, तो ये वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन है। नीचे जो है, नीचे दो मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन, मतलब दोनों रिएक्ट करने वाली कौन सी है, अराइल हैलाइड है, तो ये सिर्फ क्या होगा, फिटिंग रिएक्शन। ओके याद रखना है कि अगर हम लोग वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन पढ़ेंगे तो हम लोग को अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड क्या बोलेंगे, बेंजीन जैसे कंपाउंड्स मिलेंगे। और अगर अराइल हैलाइड्स, दो अराइल हैलाइड्स रिएक्ट कर रही है, फिटिंग रिएक्शन है, तो वहाँ पे बायफिनाइल्स मिलेगी या दो जो रिंग्स होगी वो आपस में फ्यूज़ हो जाएगी। ठीक है नेक्स्ट क्या है, गिव रीज़न दो अल्काइल हैलाइड्स आर मॉडरेटली पोलर दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है तो इसका आंसर भी सिंपल ही है कि हम लोग को क्या चाहिए रहता है, अगर वाटर सोल्युबिलिटी चाहिए तो हम लोग को हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करनी है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कैसे होगी, तो जो ऑक्सीजन है वाटर वाला वो पार्शियली नेगेटिव है, जो कंपाउंड होंगे वो कंपाउंड के अगर वो क्या है एच के ऊपर, हाँ मतलब जो अपने पास क्या है अल्काइल हैलाइड है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो अल्काइल हैलाइड में क्या होना चाहिए था, कोई पॉजिटिव पार्ट जिसके साथ वो ओ क्या करेगा, अट्रैक्शन फील करेगा। तो यहाँ पे क्या है, अल्काइल हैलाइड इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पा रही है। अब वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो अल्काइल हैलाइड्स है उसमें जो हैलोजन एटम है वो बहुत ज़्यादा बल्की है, तो बल्कीनेस की वजह से उसकी जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा क्या हो रही है, वाटर के साथ नहीं हो पा रही है। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, जो उसकी वाटर सोल्युबिलिटी है वो कम है, क्योंकि अगर ज़्यादा इंटरेक्शन होगी वाटर के साथ तो ज़्यादा ईजीली हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो यहाँ पर इंटरेक्शन कम हो रही है तो इसीलिए वो क्या होगा, लेस वाटर सोल्यूबल। ओके नेक्स्ट है एक्सप्लेन ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते किसको हैं, तो वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक सब्सटेंस क्या कर सकता है, प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को डेविएट कर सकता है, या तो राइट की तरफ या तो लेफ्ट की तरफ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, हम लोग को पता है वो क्या बोलते हैं उसको, कायरल सेंटर्स। तो अगर आप टू क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो टू क्लोरोब्यूटेन में जो आपका सेकेंड वाला कार्बन है, वो सेकेंड वाला कार्बन क्या है, चार अलग अलग ग्रुप से अटैच है। और जो कायरल सेंटर्स है वो भी हम लोग उसी को बोलते हैं कि वो कार्बन जो चारों डिफरेंट ग्रुप को अटैच होगा। तो इसमें जो कार्बन नंबर टू है वो एक तरफ से मिथाइल को, एक तरफ से इथाइल को, एक तरफ से हाइड्रोजन को और एक तरफ से क्लोरीन को, मतलब चार अलग ग्रुप्स आ गए। तो ये क्या होंगे, जो कार्बन नंबर टू है वो कायरल होगा। अब वो अगर कायरल है तो उसके पास एबिलिटी है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को डेविएट कर सकता है या रोटेट कर सकता है। रोटेशन की वजह से कैसा हो जाता है कि जो कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे जो दो स्ट्रक्चर्स बने वो देखो, एक क्या रहेगा, एक डी वाला होगा और एक एल वाला होगा। ठीक है, डी मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो अगर राइट की साइड पर डेविएट हो गई तो वो डी हो जाएगी, और अगर लेफ्ट पे हो गई तो एल हो जाएगी। अब हम लोग को करना क्या है, जो डी और एल जो बने वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज। अगर मैं एक मिरर को, या जो सॉरी एक इमेज है उसको उठा के उसकी दूसरी वाली इमेज पे रखूं, या एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल पे रखूं, तो उसके सारे जो पार्ट्स हैं वो सुपर इम्पोज नहीं करेंगे या एक के ऊपर एक नहीं आएंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपके जो दो हाथ है वो दोनों हाथ अगर आप सामने रख रहे हो तो वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज।
अब एक हाथ उठा के दूसरे हाथ पे अगर मैं रखूँ तो क्या हो जाएंगे, जो थम्स है वो एक के ऊपर एक नहीं आएंगे। अगर लेकिन जो क्या बोलेंगे, जो दोनों अगर आपके हाथ है अगर आप इसको फोल्ड कर लोगे तो वो आ जाएगा एक के ऊपर एक। आपको फोल्ड नहीं करना है, आपको उठा के दूसरे के ऊपर रखना है। उसको बोलते हैं हम लोग सुपर इम्पोजिशन। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब कि अगर ग्रुप्स एक के ऊपर एक नहीं आ रहे हैं तो वो क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये कैसा है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। मतलब ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इनैंशियोमर्स होंगे। ओके, तो यही है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी। यहाँ पे जैसे हाँ डी और एल जिसको हम लोग बोल रहे थे, तो यहाँ लिखा हुआ है कि वो क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी। इसको चेक कैसे करेंगे, तो जिसमें ठीक है ये स्ट्रक्चर कुछ अलग सा बना हुआ है, जिसमें आपका जो सी एल है वो राइट साइड पे है, मतलब जो पहला वाला कंपाउंड है उसमें सी एल का है राइट पे, तो राइट वाला है मतलब वो डी वाला है। जो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है उसमें जो सी एल है वो लेफ्ट पे है, तो लेफ्ट पे है मतलब वो एल वाला या लेवो रोटेटरी है। तो एक डी और एक एल, एल कंपाउंड है। नेक्स्ट है आपको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन SN1 और SN2 मैकेनिज्म। तो ये टेक्स्ट बुक में भी आपके लिखा हुआ है। तो SN1 और SN2 को सिंपल है, अगर काइनेटिक्स पढ़ेंगे हम लोग उसकी, तो काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग SN2 का मतलब क्या है कि वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और SN1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर। अब इसकी ऑर्डर का मतलब क्या है, अगर आप काइनेटिक्स निकालोगे तो SN रिएक्शन में हम लोग करते क्या है, एक अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करते हैं एक अल्कली के साथ। तो SN2 में क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अल्काइल हैलाइड के साथ साथ जो अल्कली हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, और SN1 में सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेगा जो अल्काइल हैलाइड है उसके ऊपर। ठीक है, फिर मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शंस में उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। तो SN2 वाले क्या है, बायोमॉलिक्यूलर है, दो मॉलिक्यूल, क्योंकि जो रेट है वो दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और SN1 क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि रेट सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो अल्काइल हैलाइड है उसके ऊपर। नंबर ऑफ स्टेप्स में उल्टा है, SN2 वाला वन स्टेप में हो जाता है और SN1 वाला टू स्टेप में। अगर वन स्टेप में हो रहा है तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, हम लोग को दो चीज़ करनी है, एक सी और एक्स वाली बॉन्ड को ब्रेक करना है और अल्कली के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब सी और OH वाली बॉन्ड फॉर्म करना है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी होगी, SN2 वाले क्योंकि वन स्टेप है इसलिए साइमल्टेनियस हो जाएगी, और SN1 में दो स्टेप है, तो दो स्टेप में कैसे होगा, पहले हम लोग सी और एक्स वाली बॉन्ड को ब्रेक करेंगे फिर सी और OH वाली बॉन्ड को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे भी लिखा है कि फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक होगी और उसके बाद न्यू बॉन्ड फॉर्म होगी। अब इसका उल्टा करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं पहले बॉन्ड फॉर्म करूं और बाद में ब्रेक करूं तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं होगा। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कंपाउंड जो कैसा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा। और कैसा रहता है कि जब सारे रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाते हैं जो रेडीली डिकम्पोज होकर हम लोग को प्रोडक्ट देता है। याद ये रखना है कि जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उतने ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे। तो यहाँ पे एक स्टेप है तो इसलिए कैसा रहेगा, वन ट्रांजिशन स्टेट, और SN1 वाले में दो स्टेप है इसलिए यहाँ पे दो ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या कि जो एक्स वाले हैं अल्काइल हैलाइड में, जो एक्स होगा वो अपना निगेटिव चार्ज के साथ जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल है मतलब जो कमिंग जो OH है अल्कली है वो भी क्या कंटेन करी है, निगेटिव चार्ज। तो अगर हम लोग को क्या करना है, SN2 वाला रिएक्शन पढ़ना है, तो वो कैसा है, वन स्टेप में हो रहा है। अगर वन स्टेप में हो रहा है तो अगर एक ही तरफ से, जिस तरफ से हैलोजन जा रहा है उसी तरफ से अगर वो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वहाँ पे क्या हो सकती है, अगेन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। तो उसको कम करने के लिए जो अटैक है वो क्या होगा, बैक साइड होगा, या जिस तरफ से CL लीव जो हैलोजन है वो लीव कर रहा है उसके ऑपोजिट साइड से OH अटैक करेगा। और SN1 वाला जो है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, स्टेप वन में जो हैलोजन है वो रिलीज़ हो गया, तो अब जो कंपाउंड बना है वो क्या है, एक कार्बोकटाइन है। अब कार्बोकटाइन कैसा होता है, पूरा प्लेनार है और उसमें कोई भी निगेटिव चार्ज भी नहीं है, इसलिए अब अगर OH को आना है तो वो फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड से आ सकता है। फ्रंट साइड का मतलब क्या है, जिस तरफ CL पहले प्रेजेंट था वो वाली फ्रंट, मतलब जिस तरफ हैलोजन पहले प्रेजेंट था वो फ्रंट साइड है। तो क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा हो चुका है, प्लेनार हो चुका है स्टेप वन के बाद, इसलिए फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों अटैक पॉसिबल होंगे। नेक्स्ट है स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो क्योंकि SN2 में बैक साइड अटैक हो रहा है इसलिए कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्स हो जाएगी, मतलब अगर पहले कंपाउंड डी था
तो रिएक्शन के बाद वो एल हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। और SN1 में क्या हो रहा था कि फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों अटैक है, तो अगर फ्रंट साइड आएगा तो पहले डी था तो डी मिलेगा, और अगर बैक साइड हुआ तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब 50% डी और 50% एल है, तो जो कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा, जो मतलब ओवरऑल मिक्सचर होगा वो रेसिमिक मिक्सचर होगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है सिर्फ, ये सब जो क्या बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी नहीं होगी ये कब हो सकता है, अगर जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट मतलब जो अल्काइल हैलाइड है, वो पहले भी क्या था, ऑप्टिकली एक्टिव था। अगर आप ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को लेकर रिएक्शन करोगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा। ओके, टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मतलब किस टाइप की अल्काइल हैलाइड रिएक्ट कर सकती है। तो SN2 में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगी और SN1 में टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अब इसके पीछे रीज़न वही आएगा कि क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, SN2 में वन स्टेप रिएक्शन है, तो क्या बोलेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर्मेशन दोनों एक साथ ही होने वाली है, तो इसलिए वो प्राइमरी वाली ज़्यादा फेवरेबल करेगी। और SN1 में क्योंकि टू स्टेप रिएक्शन है, पहले बॉन्ड ब्रेक करनी है, तो बॉन्ड ब्रेक करके एक अल्काइल हैलाइड है वो कार्बोकटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टर्शरी कार्बोकटाइन क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए मेनली जो टर्शरी सबस्ट्रेट है वो इजीली SN1 रिएक्शन देगा। सॉल्वेंट की पोलैरिटी, तो यहाँ पे क्योंकि क्या बोलेंगे यहाँ पे नॉन पोलार सॉल्वेंट ज़्यादा फेवरेबल करेंगे और यहाँ पे पोलार सॉल्वेंट। अब यहाँ पे रीज़न फिर से वही आएगा क्योंकि अगर पोलार सॉल्वेंट हम लोग क्या बोलेंगे SN1 के लिए यूज़ करें, तो पोलार सॉल्वेंट क्या करेगा, जो कार्बोकटाइन बनाए उसको स्टेबलाइज़ कर देगा। लेकिन जो SN2 रिएक्शन है वो एक ही स्टेप में कन्वर्ट हो रही है, तो वहाँ पे वो स्टेबलाइज़ करने के लिए कोई चार्ज ही नहीं है, इसलिए नॉन पोलार सॉल्वेंट ईजिली उसको फेवर करा सकते हैं। इंटरमीडिएट क्योंकि SN2 में एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, तो इंटरमीडिएट्स नहीं बनेंगे। और SN1 में दो स्टेप रिएक्शन है, तो दो स्टेप रिएक्शन में क्या होगा, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा जो फर्स्ट वाले रिएक्शन में फॉर्म होगा और सेकंड वाले रिएक्शन में कंज्यूम होगा, और जो आप लोगों को पता है क्या है, एक कार्बोकटाइन है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्या है अपने पास, प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड शो हाइयर रिएक्टिविटी बाय SN1 मैकेनिज्म देन अदर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। ये भी सिंपल है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म है, SN1 में हम लोग ने क्या पढ़े कि दो स्टेप में रिएक्शन होना चाहिए। अब दो स्टेप में होने के लिए हम लोग ने क्या पढ़े इसको अभी पीछे ही, कि जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है वो ज़्यादा फेवरेबल होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग को एक्सप्लेन करना है वो क्या एक्सप्लेन करना है कि बेंजाइल हैलाइड का मतलब क्या होगा, जो हम लोग का पहला क्वेश्चन था वो बेंजाइल ब्रोमाइड वाला, तो उस टाइप के कि जो हैलोजन है वो किसके ऊपर कनेक्टेड रहेगा, एक ऐसे कार्बन के ऊपर जो डायरेक्टली रिंग को कनेक्टेड है, उसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइल ग्रुप। तो यहाँ पे ये बेंजाइल ग्रुप है। अब अगर हम लोग क्या करेंगे SN1 रिएक्शन करें, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि जो जो भी हैलोजन है वो निकल जाएगा। तो हैलोजन अगर निकल गया तो ये वाला जो कार्बन है जो रिंग के बाहर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नॉर्मली क्या होता है कि जो प्राइमरी कार्बोकटाइन है वो अनस्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे जो क्या बोलेंगे केस है वो कैसा हो गया है कि ये जो कार्बोकटाइन है ये प्राइमरी है फिलहाल तो, लेकिन ये क्योंकि रिंग के ऊपर अटैच है तो इजीली रिंग क्या कर सकती है, इसको स्टेबलाइज़ करने के लिए रेजोनेंस शो कर सकती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं काफ़ी सारे। तो ये जो इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, हम लोग को पता है कि जो जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या हो जाता है, स्टेबल होता जाता है। तो होना चाहिए था क्योंकि ये प्राइमरी है इसलिए इसको अनस्टेबल, लेकिन रेजोनेंस की वजह से ये क्या शो कर रहा है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए बाकी जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स है उससे ज़्यादा फेवरेबल रिएक्शन कौन शो करेगा, बेंजाइलिक कार्बोकटाइन या बेंजाइलिक हैलाइड्स। ओके, तो ये सारे 2 मार्क्स वाले रिएक्शन थे, आधे से ज़्यादा जो रिएक्शंस थे वो आपको क्या बोलेंगे रीजनिंग वाले थे। तो ये वाले चैप्टर में काफ़ी सारे रीजनिंग वाले हैं, जो रीज़न है वो मेजरली SN1 SN2 और न्यूक्लियोफिलिक अटैक और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक वही सब पे आ रहा है। ओके, फिर आते हैं टाइप 2 वाले क्वेश्चंस पे, जो 3 मार्क्स वाले। ओके, पहला है यहाँ पे एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो 3 फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे, बार बार वही आ रहा है SN1 और SN2, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है इसका मतलब। पहला क्या है, सॉल्वेंट पोलैरिटी, फिर है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, और थर्ड है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिएजेंट। ठीक है, ओके, ठीक है, मेरा ऑर्डर अलग हो गया, कोई बात नहीं।
पहला यहाँ पे नेचर ऑफ सब्सटेंस, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ऊपर ही कि SN2 वाले जो रिएक्शंस हैं वो क्या होंगे, क्योंकि वो वन स्टेप है तो इसलिए वो क्या होंगे, जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स है वो मोर फेवरेबल होगी टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन, और जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड होगी वो क्या होगी SN1 मैकेनिज्म देगी। अब ऐसा क्यों है, तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि प्राइमरी जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड है वो SN1 मैकेनिज्म क्यों देगी, क्योंकि जो कार्बोकटाइन बनेगा वो ज़्यादा नंबर ऑफ अगर अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है तो अल्काइल ग्रुप क्या देंगे उसको, प्लस आई इफेक्ट या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा कि जो कार्बन जो बीच में था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसका चार्ज कम फील होने लगेगा और वो इजीली क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल सब्सटीट्यूशन की वजह से क्या हो जाएगा, जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है वो मोर फेवरेबल होगा टूवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। फिर नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो अटैकिंग स्पीशीज़ है वो क्या कैरी कर रही है, नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा है कि वन स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में हम लोग को जो हैलोजन पहले से अटैच था उसको हटाना भी है और उसकी जगह पे दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल है जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं OH वो डालना है। तो कैसा रहेगा कि अगर जो न्यूक्लियोफाइल हम लोग यूज़ कर रहे हैं अगर उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब क्या है, जो एबिलिटी या जो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या बोलेंगे इसको, प्रॉपर्टी, हाँ ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियोफाइल है कि वो कितना ईजिली अटैक कर रहा है। अगर एक न्यूक्लियोफाइल पहले से प्रेजेंट है उसको हटा के हम लोग को दूसरा न्यूक्लियोफाइल डालना है एक ही स्टेप में, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, SN2 मैकेनिज्म के लिए हम लोग को स्ट्रॉन्ग या पावरफुल न्यूक्लियोफाइल लगेगा। वाइल SN1 में क्या हो रहा है कि पहले वो हम लोग को क्या करना है, जो हैलोजन है उसको हटा देना है, मतलब न्यूक्लियोफाइल चला गया है, अब जो बचा है अपने पास कार्बोकटाइन बचा है, तो कार्बोकटाइन को अटैक करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी उतना ही ईजिली अटैक करेगा और एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी उतना ही ईजिली अटैक करेगा। इसलिए SN1 मैकेनिज्म के लिए हम लोग को क्या बोलेंगे, जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इतना अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि जो कार्बोकटाइन बनाया वो इक्वली उससे आराम से रिएक्ट कर लेगा। नेक्स्ट है सॉल्वेंट की पोलैरिटी, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि SN2 में एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो किसी भी चीज़ को स्टेबलाइज नहीं करना है, तो अगर स्टेबलाइज नहीं करना है तो हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट SN2 के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन SN1 में क्या हो रहा है कि दो स्टेप में रिएक्शन हो रहा है और स्टेप वन के बाद एक कार्बोकटाइन बनेगा, तो कार्बोकटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए अगर वो क्या बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट दे रहा है कोई जो अल्काइल ग्रुप उसके साथ है तो अच्छी बात है, और अच्छे से उसको स्टेबलाइज कौन कर सकता है, जिस मीडियम में हम लोग उसका रिएक्शन करें, अगर वो मीडियम क्या होगा एक पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलार प्रोटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होगा, प्रोटिक मतलब हाइड्रोजन, जिसके पास H प्लस है, तो वो H प्लस है तो मतलब वो किसी नेगेटिव ग्रुप से कनेक्टेड है, तो वो जो नेगेटिव ग्रुप है वो ईजिली कार्बोकटाइन को सराउंड करके उसका जो ओवरऑल चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो इसलिए SN1 मैकेनिज्म के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक अच्छा आयनाइजिंग सॉल्वेंट चाहिए जो इजीली जो कार्बोकटाइन बनाए उसको स्टेबलाइज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन करना है एक्वस अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। जो इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं कि SN1 मैकेनिज्म SN1 मैकेनिज्म, तो यही है पूरा SN1 मैकेनिज्म कि यहाँ पे क्या है, एक्वस अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करना है किसका, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का। तो अगर आप टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाओगे तो ये क्या है, एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। हम लोग इसका रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि एक अल्कली के साथ या OH वाले कंपाउंड के साथ हम लोग को इसका रिएक्शन करना है, होने क्या वाला है कि जो BR है उसकी जगह पे OH आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये SN1 मैकेनिज्म है, कैसे पता हम लोग को, क्योंकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड यूज़ हो रहा है, तो SN1 मैकेनिज्म। SN1 में हम लोग ने अभी पढ़े थे काइनेटिक्स के, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा किसके ऊपर, जो अल्काइल हैलाइड है उसके ऊपर, तो हम लोग ने सिर्फ अल्काइल हैलाइड लिखे। ओके, और उसके बाद हम लोग को फिर से पता है कि टू स्टेप रिएक्शन है, एक स्टेप में BR को हटाना है, दूसरे स्टेप में OH को अटैक कराना है, तो ये है रिएक्शन। ठीक है, स्टेप वन में क्या हो रहा है कि जो BR है वो ईजिली क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, BR निगेटिव फॉर्म में चला जाएगा, इसलिए जो जो लेफ्ट आउट जो कंपाउंड बचा है वो क्या है, कार्बोकटाइन, जो क्या है, इंटरमीडिएट है, क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेप में कंज्यूम हो जाएगा। एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है, काइनेटिक्स के केस में हम लोग क्या पढ़ते हैं,
कि हर रिएक्शन की क्या होती है, अपनी एक स्पीड होती है, और जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है, जो अगर n नंबर ऑफ स्टेप्स है तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वही क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो अगर मैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन में मैंने क्या लिखी थी, सिर्फ अल्काइल हैलाइड को, तो सिर्फ फर्स्ट वाला जो रिएक्शन है वही क्या होगा, अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब वो क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्लो स्टेप है। स्टेप टू फास्ट स्टेप है, तो फास्ट स्टेप हम लोग क्या बोलते हैं कि वो ओवरऑल जो रिएक्शन का रेट है वो फास्ट स्टेप पे डिपेंड नहीं करता है, वो स्लो स्टेप पे करता है। तो स्लो स्टेप सिर्फ कौन सा वाला है, फर्स्ट वाला। ये यहाँ पे बना हुआ नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको कैसे लिखना है कि जब आप पहले इसको बॉन्ड ब्रेक करोगे तो आप स्टेप वन को डायरेक्टली यहाँ पे कैसे लिखा है कि बी आर के ऊपर बॉन्ड शिफ्ट हो रही है और प्रोडक्ट की साइड पे पूरा सेपरेशन दिखा रहा है। लेकिन हम लोग ने ऊपर क्या पढ़े थे, ट्रांजिशन स्टेट। तो हम लोग को यहाँ बीच में क्या करना है, एक ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद उसको सेपरेट करना है। ट्रांजिशन स्टेट आप कैसे ड्रॉ करोगे कि जितनी बॉन्ड ब्रेक होने वाली होती है वो पार्शियली ब्रोकन होगी, जितनी बॉन्ड फॉर्म होने वाली होती है वो पार्शियली फॉर्म होगी। तो पहले एक ऐसा जो यहाँ पे सॉलिड लाइन बनी हुई है उसको ऐसे डॉट डॉट करके दिखाना है, फिर उसके बाद उसको ब्रेक करना है। और स्टेप टू में भी यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बनाया हुआ है। आपको कैसे करना है, पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनाना है। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या करेंगे, पहले सी और ओ एच के बीच में एक डॉट डॉट करके या एक ब्रोकन लाइन ड्रॉ करेंगे जो दिखाएगी कि बॉन्ड पार्शियली फॉर्म हो रही है, और उसके बाद उसको कम्प्लीटली फॉर्म करना है। और क्योंकि ये क्या है, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों अटैक पॉसिबल है, तो यहाँ पे वो भी हम लोग को शो करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ आर फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट। तो हम लोग को रिएक्शन लिखना है, क्या है, प्रोपीन से हम लोग को वन आइडो प्रोपेन बनाना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है, वन आइडो प्रोपेन में, ओके ठीक है, रिएक्शन जो लिखा हुआ है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हम लोग को प्रोपीन को कन्वर्ट करना था वन आइडो प्रोपेन में, वन आइडो प्रोपेन बनाने के लिए, ओह अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो हम लोग को पता है कि वन आइडो प्रोपेन का मतलब क्या है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, और यूजुअली जब हम लोग अल्कीन में कोई रिएजेंट ऐड करते हैं तो वो मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो करता है, जिसमें हम लोग को हमेशा क्या मिलेगी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पर ऑक्साइड डालना पड़ेगा। तो हम लोग ने पहले क्या किया, प्रोपीन को कन्वर्ट किया वन ब्रोमो प्रोपेन में, वो कैसे हुआ, तो हम लोग ने इसमें एच बी आर ऐड किए इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड की वजह से क्या हुआ, जो अटैक है वो कैसा होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ्स होगा। ठीक है, इसलिए बी आर कहाँ पर आ रहा है, सी एच टू के पास। अब हम लोग को लेकिन बनाना तो क्या था, आइडो प्रोपेन, तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये ब्रोमो प्रोपेन को कन्वर्ट करना है आइडो प्रोपेन में। उसके लिए हम लोग क्या डालेंगे, सोडियम आयोडाइड। या ये कौन सा रिएक्शन है, अगेन फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट है, प्रोपीन को कन्वर्ट करना है टू नाइट्रो प्रोपेन में। अब ये भी सिंपल है, तो पहले हम लोग ने क्या किया, प्रोपीन को कन्वर्ट किए टू ब्रोमो प्रोपेन में। अब ये कैसे हुआ, तो ये सिंपल था, यहाँ पे हम लोग ने एच बी आर ऐड किए। अब ये एच बी आर और एरो के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब ये अब फॉलो करेगा मार्कोनिकॉफ्स एडिशन। तो उसके बाद ये दे रहा है हम लोग को टू ब्रोमो प्रोपेन, जो कि मेजर प्रोडक्ट है। अब ब्रोमो तो चाहिए नहीं है, हम लोग को क्या चाहिए, नाइट्रो प्रोपेन। तो ये नाइट्रो को कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट इसमें ऐड करेंगे। हाँ, आपको ये भी याद रखना है कि अगर आप क्या करोगे, पोटेशियम नाइट्राइट यूज़ करोगे, के एन ओ टू, तो क्या होगा, हम लोग को ओ की साइड से अटैचमेंट मिलेगी। ठीक है, मतलब वो नाइट्रो कंपाउंड नहीं मिलेगा फिर वो। ठीक है, नाइट्रो बनाना है मतलब एन की साइड से अटैचमेंट होनी चाहिए, तो एन की साइड से अटैचमेंट के लिए हम लोग को सिल्वर का सॉल्ट यूज़ करना है या सिल्वर नाइट्राइट यूज़ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है बेंजीन टू बाय फिनाइल। ये सिंपल है, तो पहले बेंजीन का हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीनेशन करेंगे, तो वो क्लोरोबेंजीन दे देगा। बाय फिनाइल अभी हम लोग ने ऊपर पढ़े थे फिटिग रिएक्शन करना है, तो फिटिग रिएक्शन करने के लिए क्या करेंगे, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करेंगे सोडियम के साथ, तो वो हम लोग को दे देगी बाय फिनाइल। अच्छा, हाँ, यहाँ पे एरो पे ड्राई ईथर लिखा है, सिंपल सी बात है कि जब हम लोग ग्रुप वन और ग्रुप टू की मेटल्स यूज़ करेंगे तो हम लोग को क्या करना है, वाटर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ग्रुप वन और ग्रुप टू वाली मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके एक्सप्लोजन करती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और वो कैसे बनेगा, तो सिंपल है, अपने पास अल्काइल हैलाइड है, हम लोग उसको रिएक्ट करेंगे मैग्नीशियम के साथ। अब ऐसा क्यों करना है, तो नॉर्मली है क्या कि जो मैग्नीशियम है वो ग्रुप टू की एलिमेंट है, ग्रुप टू वालों की वैलेंसी कितनी है, दो।
तो होगा क्या, जब हम लोग मैग्नीशियम के साथ अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम क्या करेगी, जो आपका हैलोजन है वो, और जिस कार्बन से हैलोजन कनेक्टेड है वो दोनों के सेंटर में आ जाएगी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी दो है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए उसको हैलोजन और जिस कार्बन को हैलोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है वो दोनों के बीच में इंसर्ट कर देना है। ठीक है, ये सिंपल था। तो जो बन जाएगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब लिखा क्या है कि एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों प्रिपेयर होती है, तो फिर से वही वाली बात कि ग्रुप वन और ग्रुप टू वाली जो मेटल्स है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस करती है और क्या बोलेंगे हाइड्रोजन इवॉल्व करती है। तो एक्सोथर्मिक है मतलब हीट रिलीज़ हो रही है और हाइड्रोजन भी रिलीज़ हो रही है, और हाइड्रोजन हम लोग को पता है कि क्या है, वो सेल्फ बर्निंग या सेल्फ कम्बस्टिबल गैस है। तो वो क्या होने लगेगी, हीट की वजह से हाइड्रोजन जलने लगेगा या ठीक है, तो उसमें क्या बोलेंगे चांसेस है कि वो फायर लग सकती है या वैसे वाले, इसलिए हम लोग क्या करेंगे ड्राई ईथर यूज़ करेंगे। ड्राई ईथर का मतलब क्या है कि ईथर यूज़ करना है, ड्राई का मतलब उसके अंदर थोड़ा भी वाटर के ट्रेसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है वो हाईली रिएक्टिव है, वाटर के साथ वो इजीली रिएक्ट कर सकता है, इसलिए हम लोग उसको एनहाइड्रस कंडीशन में बनाएंगे। एनहाइड्रस मतलब जहाँ पे वाटर नहीं है। नेक्स्ट, राइट केमिकल इक्वेशन इंडिकेटिंग द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑन ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, तो हम लोग को ब्रोमो बेंजीन का रिएक्शन ये तीनों रिएजेंट के साथ करना है। तो सिंपल है, पहला रिएक्शन किसके साथ है, CH3CO CH3 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। CH3CO CH3 क्या है अपना, एसिटाइल क्लोराइड है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिएक्शन है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपका फ्रिडिल क्राफ्स असाइलेशन है। ठीक है, तो फ्रिडिल क्राफ्स असाइलेशन हम लोग क्या करते हैं, एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसको रिएक्शन करते हैं किसके साथ, असाइल क्लोराइड के साथ। तो है ये एक असाइल क्लोराइड, और क्योंकि हम लोग को पता है कि जो हैलोजन है वो क्या शो करते हैं, जो क्या बोलेंगे रेजोनेंस इफेक्ट वाला, अगर हम लोग उसमें देखेंगे तो 2, 4 और 6 पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसलिए जो ये आपका एसिटाइल ग्रुप है वो कहाँ पे आएगा, 2 पे 4 पे और 6 पे, या बोलो के ऑर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट्स हम लोग को मिलेंगे। तो इसलिए एक 2-ब्रोमो एसीटोफिनोन मिलेगी और एक 4-ब्रोमो एसीटोन मिलेगी। ठीक है, इसमें से जो 4 वाली होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो ग्रुप्स है वो रिंग के ऑपोजिट साइड पर आ रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा क्या बोलेंगे रिपल्जन कम हो जाएगा और ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है फ्यूमिंग H2SO4। H2SO4 अगेन क्या है, क्या बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए हम लोग को क्या करना है, H2SO4 को ब्रेक करना है एज OH और SO3H। तो OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो रिंग के एक हाइड्रोजन के साथ वो निकल जाएगा और हम लोग को SO3H जो है वो अटैच हो जाएगा। तो फिर से SO3H क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल है इसलिए वो 2 पे 4 पे और 6 पे ऐड होगा, और फिर से 2 और 4 वाले प्रोडक्ट मिलेंगे अगेन, जिसमें से 4 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको याद रखना है कि जब भी नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड एक साथ आते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, जो यूज़ होता है नाइट्रेशन करने के लिए, या बोलो कि NO2 ग्रुप को ऐड करने के लिए। ठीक है, रिएक्शन में H2SO4 का काम सिर्फ इतना ही है कि वाटर लॉस को ईजिली फेवरेबल कराएगा वो। ठीक है, तो एक्चुअल जो अटैक होगा वो किसका होगा, नाइट्रो ग्रुप का होगा। फिर से नाइट्रो ग्रुप क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल है तो वो 2, 4 और 6 पे या ऑर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट देगी। ओके, एक बड़ा सा रिएक्शन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए रिएक्ट जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, ट्रीट किए उसको फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ टू गिव अल्काइल क्लोराइड। हम लोग को ए बी सी तीनों को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब आपको याद ये रखना है कि पहला जो कंपाउंड है क्या बोल रहा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें एक ऑक्सीजन है, मतलब वो क्या हो सकता है, एक ऑक्सीजन वाले कितने कंपाउंड्स हो सकते हैं, तो एक ऑक्सीजन के साथ आप अल्कोहल बना सकते हो, आप एल्डिहाइड बना सकते हो और आप कीटोन बना सकते हो। ठीक है, या ईथर्स भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो रिएक्ट कर रहा है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब PCl5 के साथ और अल्काइल क्लोराइड बनेगी। तो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए,
कि अगर अल्काइल क्लोराइड बन रही है तो वो कैसे बन सकती है, अल्कोहल जब रिएक्ट करती है PCl5 के साथ तो वो बनाती है अल्काइल क्लोराइड, ठीक है। तो मतलब ये जो C4H10O वाला एक कंपाउंड है, ये क्या है, एक अल्कोहल है। अब कौन सी अल्कोहल है तो वो पता करने के लिए हम लोग को आगे वाले स्टेटमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो जब अल्काइल क्लोराइड बन गई, अब उसका रिएक्शन जब हम लोग Mg के साथ करेंगे तो वो एक हाईली रिएक्टिव कंपाउंड बनाएगी B। अब अगर अल्काइल क्लोराइड को रिएक्ट करेंगे Mg के साथ, अभी पीछे ही पढ़ गए हैं हम लोग ने कि अल्काइल क्लोराइड को अगर हम लोग Mg के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक हाईली रिएक्टिव कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब बी जो है वो आपका क्या है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब बी को जो हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो एक हाइड्रोकार्बन बना रहा है सी, ठीक है। बी को वाटर के साथ, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग ने पढ़े कि वो एनहाइड्रस कंडीशन में रखना रहता है क्योंकि वो वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो अब जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो बना रहा है सी जो एक हाइड्रोकार्बन है, मतलब अब इसमें से ओ रिलीज़ हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग को पता कैसे चलेगा कि ए बी और सी क्या है, हम लोग को ठीक है इतना समझ में आ गया है कि ए एक अल्कोहल है, बी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और सी एक अल्केन है, ठीक है। लेकिन अटैच कैसे रहेंगे उसके लिए हम लोग को आगे वाला स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो आगे वाले स्टेटमेंट में क्या है, जब अल्काइल क्लोराइड मतलब जो अपना बी वाला कंपाउंड है, नहीं सॉरी, अल्काइल क्लोराइड जो बन रही है उसको हम लोग सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो बना रही है एक अल्केन, और वो कौन सी अल्केन है, 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब ये कौन सा रिएक्शन है तो ये आपको याद रखना है कि अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब ये कौन सा रिएक्शन हुआ, वर्ड्स रिएक्शन हुआ। तो वर्ड्स रिएक्शन में हम लोग को करना क्या है, तो यहाँ पे 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन मिल रही है। अब याद क्या रखना है कि जब वर्ड्स रिएक्शन होता है तो वर्ड्स रिएक्शन में क्या होता है, जो अल्केन बनती है वो हमेशा कैसी होती है, जितने नंबर ऑफ कार्बन अपने पास स्ट्रेट चेन में रहेंगे उसका डबल मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूटेन मिल रही है, ब्यूटेन का मतलब क्या है कि चार कार्बन, तो एक्चुअल जो कंपाउंड होगा पैरेंट कंपाउंड उसमें क्या होंगे, दो कार्बन एक लाइन में अरेंज होंगे, तो दो कार्बन एक लाइन में अरेंज होंगे। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो C4 है, मतलब बाकी जो दो कार्बन हुए वो क्या होंगे, वो ब्रांचिंग में होंगे। तो हम लोग ओवरऑल इसको बोल सकते हैं कि जो अल्कोहल है वो क्या है, एक टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है। तो आप देखो आपको पूरा रिएक्शन करके दिया हुआ है, यहाँ पे एक टर्शरी अल्कोहल है, उसका रिएक्शन PCl5 के साथ किए, यही अपना था एक कंपाउंड ए, जिसको फिर उसके बाद क्या मिली, एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड मिली, अल्काइल क्लोराइड मिली, उसका रिएक्शन किया Mg के साथ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी और सी एल के बीच में Mg इंसर्ट हो रहा है। फिर नेक्स्ट उसका वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो पूरा MgCl है ये हट के उसकी जगह पे H आ जाएगा। अब हम लोग को कैसे पता कि A वाला कंपाउंड यही है, तो आगे जो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करनी थी तो देखो यहाँ पे करके दी हुई है। तो सिर्फ यही A वाले कंपाउंड के साथ अगर हम लोग सोडियम मेटल को रिएक्ट करेंगे तो ये 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन मिलेगी, ठीक है। ओके, तो ये वाला थोड़ा सा टफ था, होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, लास्ट आते हैं लॉन्ग आंसर्स पे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, राइट इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड यूजिंग, ठीक है, हम लोग को इथाइल क्लोराइड बनानी है और तीन रिएजेंट दिए हुए हैं, ठीक है। पहला है हाइड्रोजन हैलाइड, तो इथीन, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HCl के साथ ऑब्वियसली आप रिएक्शन करोगे, तो HCl के साथ रिएक्शन कौन किस किस के साथ हो सकती है, अगर हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन करें HCl के साथ तो भी हम लोग को अल्काइल हैलाइड मिल जाएगी, या अगर आप इथीन के साथ भी HCl का रिएक्शन करोगे तो भी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HCl यूज़ करो, लेकिन किसके साथ यूज़ करो, तो मतलब यहाँ पे आपके पास चॉइस हो सकती है। अब जो दो रिएक्शन है इथेनॉल के साथ और इथीन के साथ, दोनों इथीन के साथ भी, ठीक है वही वाला रिएक्शन है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जो सेकेंड वाला रिएक्शन है इथीन के साथ है, तो इथीन के साथ भी हम लोग को क्या यूज़ करना है, HCl ही यूज़ करना है, ठीक है, ये बन जाएगी। नेक्स्ट है थायनिल क्लोराइड, तो थायनिल क्लोराइड के साथ आपको याद रखना है कि थायनिल क्लोराइड रिएक्ट करती है अल्कोहल के साथ और प्रोड्यूस करती है अल्काइल क्लोराइड, तो सिंपल सी बात है थायनिल क्लोराइड मतलब SOCl2, इसका रिएक्शन आप किसके साथ करोगे, एक अल्कोहल के साथ, और क्योंकि इथाइल क्लोराइड बनानी है इसलिए इथाइल अल्कोहल ही यूज़ करनी पड़ेगी या इथेनॉल। तो यहाँ पर रिएक्शन लिखा है कि इथेनॉल है जिसका आप रिएक्शन थायमिल क्लोराइड के साथ करोगे तो इथाइल क्लोराइड मिलेगी, ठीक है। नीचे क्या बोलेंगे, उसका इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है कि जो थर्ड वाला रिएक्शन है वो थर्ड वाला रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा फेवरेबल होगा
ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से बाय प्रोडक्ट मिल रहे हैं हम लोग को, SO2 और HCl दोनों क्या है, गैसेस हैं। तो गैसेस क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली रिएक्शन के बाद इजीली इवॉल्व हो जाएगी, और आपको जो सेपरेशन है वो सेपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, तो मतलब एक जो प्रॉब्लम थी सेपरेशन वाली वो बच जाएगी, या उसका एक्स्ट्रा जो क्या बोलेंगे कॉस्ट है, एफर्ट है, वो सब कम हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम लोग को कुछ चीज़ें लिखनी है। वॉट इज़ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, स्टेट द रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रिफर्ड प्रोडक्ट, और उसके बाद एक रिएक्शन भी लिखना है। ठीक है, तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हैलो का मतलब हैलोजन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन को रिमूव करेंगे, विल बी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ओके, अब होगा क्या कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन सिर्फ कब पॉसिबल है, तो अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अभी हम लोग पीछे क्या पढ़ रहे थे कि न्यूक्लियोफाइल मतलब OH के साथ अगर हम लोग करेंगे तो वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी देता है, और वही OH के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो एलिमिनेशन वाला रिएक्शन भी देगा। अब कब होगा, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि अगर आप एक्वस KOH यूज़ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो सब्सटीट्यूशन है वो वाला प्रोडक्ट, और अगर एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक अल्कली यूज़ करोगे, अल्कोहलिक मतलब अल्कोहल में जो KOH या NaOH आप डिजोल्व करोगे, तो वो आपको क्या देगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन या बोलो एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और चीज़ कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में हम लोग को हाइड्रोजन और हैलोजन जो रिलीज़ करना है वो कैसे होने चाहिए, अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा कार्बन मतलब हैलोजन जिस कार्बन को अटैच है दैट कार्बन विल बी अल्फ़ा कार्बन, तो हैलोजन आप निकालोगे कहाँ से, अल्फ़ा कार्बन के पास से। जो हाइड्रोजन जाएगा वो कहाँ से होना चाहिए, जस्ट उसके बाजू वाले अल्फ़ा के बाद वाला जो या नेबरिंग जो कार्बन होगा वो कौन सा होगा, बीटा होगा। तो हाइड्रोजन जो आप रिलीज़ करोगे वो कहाँ से करोगे, बीटा पे से। तो ये एक टाइप ऑफ अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन होगा, और अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन के बाद क्या बन जाएगी, एक अल्कीन बनेगी। ठीक है, अब अल्कीन भी कौन सी बनेगी, उसके लिए भी एक रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं सेडजेफ्स रूल। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी एक डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन के बाद अल्कीन बनेगी तो कौन सी वाली अल्कीन बनेगी, मतलब अब ये कब पॉसिबल है, जब एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो जितने बीटा हाइड्रोजन है सबको एक एक बार ट्राई करके देखना है और सबसे एक एक बार अल्कीन बनानी है। कौन सी अल्कीन मेजर है, कौन सी माइनर है, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूशन। डबल बॉन्ड के क्रॉस में जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप उतनी ज़्यादा स्टेबल अल्कीन। तो जैसे यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है किसका, 2-क्लोरो-2-मिथाइल-ब्यूटेन का। तो अगर आप देखोगे तो ये जो कार्बन नंबर 2 है ये क्या है आपका, अल्फ़ा कार्बन। अब इसके दो बीटा हैं, कार्बन नंबर 1 भी बीटा हो सकता है, कार्बन नंबर 3 भी बीटा हो सकता है। और रिएक्शन करने के लिए यहाँ एरो पे देखो एल्कोहलिक KOH लिखा है, ये आपको याद रखना है एल्कोहलिक और एक्वस के लिए। ठीक है, कि अगर एल्कोहलिक होगा तो ही एलिमिनेशन करनी है, अगर यहाँ पे एक्वस लिखा होता तो आपको सिर्फ क्या करना होता, ये सी एल को हटा के OH लगाना रहता। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे क्या करना है, दो बीटा है इसलिए दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक बार हम लोग क्या करें, ये जो पहला वाला प्रोडक्ट लिखा है जिसके नीचे मेजर लिखा है, ठीक है, तो ये मेजर प्रोडक्ट कब बनेगा, जब हम लोग कार्बन नंबर 3 से बीटा निकालेंगे, और अगर कार्बन नंबर 1 से बीटा हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपने को एक माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे पता माइनर और मेजर, तो अगर आप ये वाला मेजर वाला प्रोडक्ट देखोगे तो उसमें क्या है, कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर टोटल नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूशन आप काउंट करोगे तो यहाँ पे 1, 2, 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं अक्रॉस डबल बॉन्ड, और अगर यहाँ पे काउंट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, दो ही साइड पे मिथाइल ग्रुप है, और जो कहाँ पे है कार्बन नंबर 3 पे, कार्बन नंबर 1 पे कोई भी मिथाइल ग्रुप या कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है। तो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप जितनी ज़्यादा, स्टेबिलिटी अल्कीन की उतनी ज़्यादा। तो इसलिए जो क्या बोलेंगे 2-ब्यूटीन है या ब्यूट 2-ईन है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, और ब्यूट 1-ईन आपकी माइनर प्रोडक्ट होगी। ठीक है, दूसरा वाला रिएक्शन भी वैसे ही किया हुआ है, यहाँ पे आपका क्या है, 3-ब्रोमो-2-2-3-ट्राईमिथाइल-पेंटेन। ठीक है, आपको ये कंपाउंड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है आपका कार्बन नंबर 3 पे क्या आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है। ठीक है, अब कार्बन नंबर 3 पे ब्रोमीन के बाद आपके पास कितने बीटा है, तो कितने बीटा है, एक ये जो CH2 है बाजू में कार्बन नंबर 4 वो एक बीटा है, एक जो CH3 जो क्या बोलेंगे उसके साथ ब्रांचिंग में वो वाला एक बीटा है, और एक उसके बाद वाला भी बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बीटा है तो 3 प्रोडक्ट मिलने चाहिए थे, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो जो कार्बन नंबर 2 है वो भी बीटा कार्बन है, लेकिन वो बीटा पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है,
इसलिए सिर्फ दो ही बीटा बचेंगे जिसके पास हाइड्रोजन है, इसलिए दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं, ठीक है। अब फिर से जो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, तो अगर आप पहला वाला प्रोडक्ट देखोगे तो उसमें क्या हुआ है, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 से सॉरी हाँ ठीक है, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 से एलिमिनेशन हुई है, तो इसलिए जो पहला वाला प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ज़्यादा मेजर होगा, ठीक है। और जो सेकेंड वाला है, सेकेंड वाले में कहाँ पे हुई है, जो ब्रांच में कार्बन था वहाँ से रिमूवल हुई है, ठीक है, तो इसलिए वो डबल बॉन्ड CH2 है। फिर से जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूशन पे। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो पहले वाले प्रोडक्ट में तीन अल्काइल ग्रुप्स हैं और सेकेंड वाले में दो ही अल्काइल ग्रुप है, या वो जो डबल बॉन्ड CH2, या आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जो टर्मिनल अल्कीन बनेगी वो अनस्टेबल होगी हमेशा, जो टर्मिनल पे मतलब एंड में जो डबल बॉन्ड आएगी वो क्या होगी, अनस्टेबल। तो यहाँ पे भी देखो एंड में आ रही है वो CH2 के बाद और कोई है नहीं, मतलब वो क्या होगी, अनस्टेबल होगी या हाँ कम अमाउंट में फॉर्म होगी। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द कंपाउंड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। आपको दो कंपाउंड्स दिए हैं, एक है ब्रोमो बेंजीन और दूसरी है क्या नाम है इसका, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ हलाइड, ठीक है। तो टाइप ऑफ हलाइड में ये जो पहला है ये क्या है, ऑब्वियसली एक एरोमेटिक हलाइड्स है, और जो दूसरा वाला है वो क्या है, एक प्राइमरी हलाइड है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन यहाँ पे पहला पहला जो रिएक्शन सॉरी क्वेश्चन था वो क्या है, पहली वाली एक अराइल हलाइड या हेलो अरीन है, और दूसरी वाली क्या है, हेलो अल्केन है या अल्काइल हलाइड है, और उसमें भी वो प्राइमरी है। फिर एक्सप्लेन करना है नेचर ऑफ CBr बॉन्ड, ठीक है। तो CBr बॉन्ड कैसी रहेगी, अब अगर आप पहला वाला कंपाउंड देखोगे तो जो ब्रोमीन है वो डायरेक्टली रिंग को कनेक्टेड है, तो मतलब वो क्या शो करेगा, रेजोनेंस, और रेजोनेंस भी कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस या बोलो प्लस आर इफेक्ट। तो प्लस आर इफेक्ट में जब आप क्या करोगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे। ओके यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ नहीं किए हुए, लेकिन ठीक ठीक है, तब भी अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते तो आपको क्या मिलता कि सी और BR, जो BR आपका रिंग के कनेक्टेड है वो, और C के बीच में मोस्ट ऑफ जो केसेस हैं या मोस्ट ऑफ जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसमें डबल बॉन्ड है। तो हम लोग को पता है कि ये ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड क्या होती है, ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है, और शॉर्टनेस की वजह से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है। इसलिए जो अराइल हैलाइड वाले CBr बॉन्ड होगी या CX बॉन्ड होगी वो क्या होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी देन अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में पूरा वही लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ड्रॉ नहीं किए हुए हैं। अगर आप ज़्यादा अच्छा लिखना चाहते हो तो इतना सारा लिखने से बेटर है कि आप क्या कर दोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दोगे, तो वो बताना ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। और जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज कंपाउंड विल अंडरगो एक्वस अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस रेडिली, ठीक है। एक्वस अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, आपको क्या करना है, SN रिएक्शन लिखना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, SN रिएक्शन में ज़्यादा फेवरेबल कौन सा वाला होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कंपाउंड 2 है वो क्या होगा, रेडीली SN रिएक्शन देगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि कंपाउंड 2 क्या है, एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हम लोग को पता है फ़ौरन क्या देती है, या इजीली जो SN2 रिएक्शन है वो इजीली देगी, ठीक है। तो इसलिए SN2 रिएक्शन इसमें ज़्यादा इजीली होगा। अब कंपाउंड 1 में क्यों नहीं होगा, तो कंपाउंड 1 में क्या है कि आपका जो ब्रोमीन है वो डायरेक्टली रिंग को कनेक्टेड है। SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन क्या होंगे, रिंग सब्स्टिट्यूशन के लिए थोड़े से टफ हो जाएंगे। ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि रिंग के पास वो जो क्या बोलेंगे, ब्रोमीन है वो डायरेक्टली रिंग को अटैच्ड है, तो किसी न्यूक्लियोफाइल को अगर रिंग तक आना है तो क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, अगेन वही वाला कि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी निगेटिव चार्ज है, और चूँकि वो रिंग के पास आ रहा है और रिंग के पास भी निगेटिव चार्ज है, तो इतनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस या बोलो कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन की वजह से क्या हो जाएगा, फास्टर रेट जो सेकेंड वाला कंपाउंड है वो देगा और फर्स्ट वाला नहीं देगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो सारे ख़त्म हो गए, होप आपको समझ में आए होंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।